सिरी एंड वॉइस असिस्टेंट वर्किंग, SOS बटन वर्किंग। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच हमारी लास्ट वीडियो MT8 अल्ट्रा वॉच को इतना सपोर्ट करने के लिए। और आपके लिए आपकी बजट में एक और स्मार्ट वॉच लेकर के आ चुका हूं, जो पूरे 49mm में मिलेगी आपको, Z68 अल्ट्रा। RD फिट की एप्लीकेशन है इसमें, और इसे भी आप एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में यूज़ कर सकते हो। तो आइए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके फीचर्स। और मैं बता दूं, इसमें दो वॉच, ये जो मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं, ये मैं आपको गिव अवे में देने वाला हूं। उसकी कंडीशन अभी बीच में आपको मैं बताता हूं, तो वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले आपको इसमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल, इसमें इसकी वॉच की सारी डिटेल्स आपको लिखी हुई मिल जाती है। वायरलेस चार्जर, सिलिकॉन के स्ट्रैप, स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये आप अलग अलग कलर किसी भी कलर में चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है वॉच। तो वॉच की फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी है, देख सकते हैं गाइस। बैक साइड में आपको स्क्रू और स्ट्रैप लॉक भी मिलते हैं, जो कि पूरे वर्किंग है। तो अभी सबसे पहले हम स्ट्रैप फिक्स कर देते हैं। स्ट्रैप लॉक पूरे काम कर रहे हैं, देखिए। जब तक आप बटन ये प्रेस नहीं करेंगे, आप स्ट्रैप रिमूव नहीं कर सकते, ये प्रेस करके ही रिमूव होंगे। ये पूरे वर्किंग है। इसके बाद ऑन करते हैं वॉच। तो वॉच ऑन करने पे आपको हेलो लिखा हुआ आएगा। इसमें मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि एप्पल का लोगो नहीं मिलेगा, बाकी जो फीचर्स है, क्वालिटी है, ओरिजिनल है, एप्पल का लोगो इसमें अवेलेबल नहीं है। वॉच फेसेस काफी सारे आपको देखने को मिलते हैं। देखिए क्लैरिटी, डिस्प्ले कितनी अच्छी क्लैरिटी है गाइस। का जो टच है बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। अब इंटरफेस देख सकते हैं कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। क्रोम बटन भी पूरा वर्किंग है इसका, ये आप देख सकते हैं। और गाइस, इस बटन को, जो एक्शन बटन है, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। अभी इसमें जैसे एक्सरसाइज ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स के जो मोड है, इसमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं। ये ऑलमोस्ट 30+ इसमें एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स के ये जो मोड्स हैं, ये इसमें दिए हुए हैं वॉच के अंदर। इसके बाद हम मेन फ्रंट डिस्प्ले पे अगर बात करें, तो ऊपर से अगर हम नीचे को स्लाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपको रीसेंट एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती है। जो भी आप ओपन करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे रीसेंट एप्लीकेशन आपको शो होगी। इधर को अगर हम स्लाइड करते हैं, तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ है, जिसमें आपको कैलकुलेटर, एक्सरसाइज, सेटिंग और ये ऑप्शन देखने को मिलता है, काउंट डाउन जो स्टॉप वॉच का है वो शो होती है यहाँ पर। ऊपर को स्लाइड करते हैं, तो ये भी काफ़ी ओरिजिनल क्वालिटी का यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें ब्लूटूथ आपको मिलता है साइलेंट मोड में। ये अलीपे का एक एप्लीकेशन है यहाँ पर, जो पेमेंट का एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल है। यहाँ पर आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं वॉच की इसमें। और मैं आपको बता दूँ, पासवर्ड का भी फीचर है गाइस, इसमें आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो वॉच के अंदर। साथ ही साथ इसमें NFC दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वेदर की डिटेल्स मिलेगी, ये रीस्टार्ट करने के लिए, वाइब्रेशन मोड बंद करने के लिए और ऑन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है मेन्यू स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, और अलार्म क्लॉक का ये आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं गाइस। लेफ्ट टू राइट जब हम स्लाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज़ दिख जाते हैं। और जब हम राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी आप शॉर्टकट कीज़ आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल ऐड कर दिया हमने, वेदर फोरकास्टिंग यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हें आप ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। रेज टू वेकअप जो है इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट दिया हुआ है, आपको बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ऑन हो जाएगी, ये देखिए गाइस। गाइस में क्रोम बटन प्रेस करके हम इसका जो मेन्यू स्टाइल है वो आप अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही गाइस इसके बाकी के एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मिलता है मैसेज देखने को, जिसमें सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। कॉल, यहाँ पे कॉल में कॉन्टैक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हो। कॉल लॉग्स, डायल, यहाँ पे डायलिंग का जो है, किसी का नंबर डायल करना है तो वो आपको यहाँ पे शो होता है। उसके बाद कॉल सेटअप में यहाँ पर आप साइलेंट मोड ऑन कर सकते हो, वाइब्रेशन मोड ऑन कर सकते हो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। SOS भी दिया हुआ है इसमें इमरजेंसी के लिए, तो वो भी अभी चेक करेंगे कि वर्किंग है या नहीं। नेक्स्ट आपको इसमें पेडोमीटर देखने को मिलता है, स्लीप प्लेयर, ये म्यूजिक प्लेयर आप कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट रेट, BP चेक करने का, SPO ऑक्सीजन के लिए, बॉडी टेम्परेचर चेक करने के, ये यहाँ पे वुमेंस के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वेदर, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इसके बाद मोशन ट्रैकिंग, ये भी कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या आता है इसमें।
नेक्स्ट आपको कैलेंडर मिलता है अलीपे क्यूआर कोड इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। कैलकुलेटर मिलता है इसमें, काउंटडाउन, स्मार्ट वॉच, फाइंड फोन। जब ये कनेक्ट होगा आप फाइंड फोन करेंगे तो आपका फ़ोन रिंग करने लग जाएगा। यहाँ से आप अपना कैमरा, मोबाइल का जो है कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं। सीरी इसमें दिया हुआ है तो सीरी अभी देखते हैं कि वर्क करती है नहीं करती कनेक्ट करके एप्पल से। नेक्स्ट आपको इसमें अलार्म देखने को मिलता है, सेटिंग्स और स्टाइल और गेम्स भी है इसमें, तो गेम देखते हैं कौन सी है। तो इसमें आपको दो गेम मिलती है, एक तो बर्ड, ये फ्लैपी बर्ड का एक गेम मिलता है इसमें आपको, दूसरा इसमें कार रेस, यह गेम भी मिलती है कार रेस की, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस इसमें गेम्स भी हैं। नेक्स्ट आपको फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये कुछ आइकन दिए हुए हैं, इनके नोटिफिकेशंस आएंगे, ये आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते बट इनके नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर शो होंगे। सेटिंग्स में और ऑप्शंस हम देखते हैं। इसमें ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का आपको ऑप्शन मिलता है, रेस टू वेकअप का मिलता है, स्क्रीन ऑन का जो टाइमिंग है वो आप नेवर पे सेट कर सकते हैं, इसका स्क्रीन जो है वो कभी भी बंद नहीं होगा। इसके साथ में और वॉचेस में हम देखते हैं 30 टू 50 या 60 सेकंड्स होते थे बट इसमें आप नेवर सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको की डेफिनेशन, डू नॉट डिस्टर्ब का, वाइब्रेशन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, पासवर्ड सेट करने का, लैंग्वेज चेंज करने का, टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन मिलता है, और वॉच को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्यूआर कोड दिया हुआ है, एनएफसी का ऑप्शन दिया हुआ है, रीस्टोर करने का, रीबूट करने का और पावर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे अबाउट जिसमें वॉच की सारी डिटेल्स मिल जाती। अब देखिए गाइस रीसेंट एप्लीकेशन में जो जो एप्लीकेशन मैंने खोली सारी यहाँ पर, जैसे आप फ़ोन एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं या एप्पल में यूज़ करते हैं सारे एप्लीकेशन शो होते हैं, वैसे ही सेम सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इनको आप यहाँ से एक एक करके भी रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। देखिए गाइज नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ आती है वो इसके एक्शन बटन की आती है कि इसको आप अलग चेंज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको चेंज करना है। सिंपली आप यहाँ पर सेटिंग्स में देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है की डेफिनेशन का, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग ये ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी जैसे एक्सरसाइज पर है ये, तो इसलिए एक्सरसाइज ओपन हो रही है। इसको मैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉल पर सेट कर देता हूँ। तो अब हम अगर ये बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए, तो कॉल लॉग्स खुल गया। तो इसलिए इससे आप ना एक्शन बटन भी आप सेट कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। गाइज इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इसकी एप्लीकेशन में फीचर चेक करेंगे, साथ ही इसका साउंड चेक करेंगे, साउंड की क्वालिटी कैसी है। तो एप्लीकेशन आप यहां से क्यूआर कोड स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं आरडी फिट ऐप। गाइज ये इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है आरडी फिट, ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है, टर्न ऑन ऑल अलाउ। इसके बाद डिवाइस ऐड का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ऐड डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करना है। Z68 अल्ट्रा नाम से शो होएगी, आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है पेयर। इस तरह से बहुत इजी है इसको कनेक्ट करना। आपको दो ब्लूटूथ शो होंगे, सेकंड ब्लूटूथ ये Z68 अल्ट्रा के नाम से शो होगा, आपको इसे भी कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों ब्लूटूथ यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं। अब साउंड प्ले करते हैं। सिंपली जो गिव अवे के लिए आपको क्या करना है, हमारा चैनल है ट्रेंड योर स्टाइल, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है ट्रेंड योर स्टाइल, आपको यहाँ पे फॉलो करना है जहाँ पे हम गिव अवे का जो है रिजल्ट अनाउंस करेंगे। और आपको इस वीडियो पे कमेंट करना है, अगर आपने कोई वॉच हमसे परचेज की हो तो भी आप प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो, ये वॉच पसंद आई हो, वो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। जो भी बढ़िया सा यूनिक कमेंट होगा उसको हम ये वॉच देने वाले हैं, दो वॉच फ्री। तो गाइस साउंड चेक करते हैं, देखिए बहुत अमेजिंग साउंड है गाइस। देख सकते हैं स्पीकर। तो एप्लीकेशन में हम देखते हैं इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन एप्लीकेशन में दिए हैं, फाइंड डिवाइस का, सैनिटरी, लाइफस्टाइल रिमाइंडर, ड्रिंकिंग रिमाइंडर, मेडिकेशन रिमाइंडर, रिमाइंडर मोड्स, इसमें अलग जो है वाइब्रेशन के साथ में स्क्रीन एलुमिनेशन, ये सब सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, मोशन जेस्चर, स्क्रीन एलुमिनेशन, ड्यूरेशन, ये आप अलग सेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटरिंग, अपडेट करने का ऑप्शन दिया हुआ, कॉन्टेक्स्ट जो है इसमें आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से मैन्युअली, देखिए मैन्युअली आप यहाँ से कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं।
वो आपको इसमें शो होंगी। एप्पल हेल्थ और NFC कार्ड बैग, ये सारे के सारे एप्लीकेशन में ऑप्शंस दिए हुए हैं। गाइस जो भी इसमें सेंटर में एप्लीकेशन होगी वो आप इसे क्रोम बटन से ही ओपन कर सकते हैं, वाला फीचर इसमें दिया हुआ है, ओरिजिनल फीचर है। साथ में ये भी चेक कर लेते हैं कि सीरी वर्किंग है नहीं, अभी वॉच कनेक्ट हो रखी है तो हम ये चेक करते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरी ये ओपन हो गई है। ये देखिए गाइस, यहाँ से मैंने टच किया और यहाँ पे ओपन हो गई। तो ये सीरी असिस्टेंट भी इसमें जो है वॉइस असिस्टेंट वर्क कर रही है। गाइस इस वॉच में आपको SOS भी वर्किंग मिलेगा, जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। एक मैंने कॉन्टैक्ट में ऐड किया है, आप देख सकते हैं SOS पे मैं क्लिक करूँगा और ये अपने आप ही डायल हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, तो ये अपने आप ही ये डायल हो गया, ये Z68 Ultra से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये भी वर्किंग है, इसमें SOS जो है ये वर्किंग है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इसमें आपको रिसेंट एप्लीकेशन मिल जाता है, SOS इमरजेंसी डायल करने का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही ये जो एक्शन बटन है इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इसका टच बहुत स्मूथ है, डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और कुछ जो एप्लीकेशन है वो सेम एज इट इज़ अल्ट्रा की तरह है। हार्ट रेट, BP, कैलकुलेटर, डायल कॉलिंग, ये सब सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो गाइज ये वॉच कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।